हेलो स्टूडेंट्स, मोमेंट्स चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। अभी अपने मीनिंग्स करेंगे। ओके, फर्स्ट ब्लेफिल्ड मींस ए लॉ ऑफिसर हु मेक्स श्योर दैट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट आर ओबे। एक लॉ ऑफिसर जो फाइनल डिसीजन फाइनल श्योर होता है कि कोर्ट का जो भी डिसीजन है वो ओबे करने जैसा है या फिर नहीं है। सेकंड, स्क्रैप ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन दैट वन हैज़ गॉट इनटू। एक ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो किसी को मिली हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिप्लिन फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। आंसर, एवरी स्लीप ड्यूरिंग द डे। सब लोग दिन में सोते थे एंड कैरी आउट देयर वर्क एट नाइट और रात को काम करते थे। सेकेंड, द कॉस्ट टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट वॉज द सेम। और कुछ भी मार्केट से खरीदो तो उसकी प्राइस एक ही होती थी, कितनी, 1 rupees। सेकेंड, वाई डज द डिसिप्लिन डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल। डिसिप्लिन ने क्यों डिसाइड किया कि फूल के किंगडम में रहने को, बिकॉज ही वॉज डिलाइटेड दैट एवरीथिंग कॉस्ट ए सिंगल दूध मीन्स 1 rupee। क्योंकि सब ये उसको पसंद था कि कुछ भी खरीदो तो क्या कॉस्ट क्या थी उसकी, 1 ही रुपये। एंड एवरीथिंग वॉज वेरी चीप, पर उसके रियल प्राइस तो एकदम चीप, मतलब कॉस्टली थी। ऑल दैट ही वॉन्टेड वॉज गुड, और सब कुछ उसको अच्छा भी लगता था। इट वॉज वेरी चीप फूड, और उसको अच्छे से महंगे महंगे फूड भी खाने थे 1 rupee में, इसलिए वो किंगडम में रुक गया। थर्ड, नेम ऑल द पीपल हु आर टायर्ड इन द किंग कोर्ट। मर्चेंट, ब्रिकलेयर, डांसिंग गर्ल, गोल्ड स्मिथ एंड डिसिप्लिन, जो किंग के कोर्ट में एकदम से थक चुके थे। ओके, then the next page, fourth, who is the real culprit according to the king, why does he accept punishment। king के हिसाब से real कौन culprit कौन था और उसने क्यों punishment accept की थी। answer, the real culprit according to the king is the मर्चेंट। किंग के हिसाब से रियल कुलपिट कौन था, मर्चेंट, बिकॉज ऑल्थो हिज ओल्ड फादर वॉज रियल मर्डरर, क्योंकि उसके जो फादर थे वो एक रियल मर्डरर थे। ही वॉज डेथ एंड समवन हैड टू बी पनिश इन हिज प्लेस, और वो मर चुके थे और उसकी जगह पे उसको कोई भी एक पनिशमेंट तो देगा ही। ही एक्सेप्ट द पनिशमेंट बिकॉज इट इज़ टू थिन टू बी प्रॉपरली एंश्योर्ड ऑन द सेक, क्योंकि उसके पता ही था कि मुझे पनिशमेंट तो मिलेगी नहीं तो मुझे दूसरा कुछ करना पड़ेगा, इसलिए उसने पनिशमेंट एक्सेप्ट कर दी थी। फिफ्थ, व्हाट आर द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम, व्हेन डज द डिसिप्लिन रिमेंबर देम। आंसर, द गुरु वर्ड ऑफ विजडम वेर थर्ड इट वॉज द सिटी ऑफ फूल। गुरु का क्या वर्ड था कि ये पूरा का पूरा सिटी फूलिश से भरा हुआ है। ही एडवाइज द डिसिप्लिन टू लीव द सिटी, उसने डिसिप्लिन को एडवाइस दी थी सिटी छोड़ दे, बिकॉज ही कुड नॉट नो वॉट दे वुड नॉट नेक्स्ट वट डू नेक्स्ट। उनको ये भी, क्योंकि उसको ये भी पता नहीं कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है। द डिसिप्लिन रिमेंबर दिस व्हेन ही वॉज गोइंग टू बी एक्सूट, जब
उसको बाहर निकालने मतलब गांव से बाहर निकालने का आया तब डिसिप्लिन को गुरु के वर्ड्स याद रह गए थे। ओके स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करूँगी, तब तक आपका होमवर्क के प्रैक्टिस वन टाइम इन नोटबुक, एक्सरसाइज आपको वन टाइम नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस करनी। ओके थैंक यू।